यदि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं और एक अच्छी फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल की पुस्तक की तलाश कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बेहतरीन फिजिकल ज्योग्राफी का बुक लेकर आया हूँ, जो कि सर सविंदर सिंह के द्वारा लिखा गया है, जो कि इलाहाबाद के भूतपूर्व प्रोफेसर भी रह चुके हैं। इस बुक को मैंने 2011 में परचेस किया है, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऊपर में मैं दिखाता हूँ कि सर सविंदर सिंह की क्या-क्या मतलब क्वालिफिकेशन है और ये कौन-कौन से डिग्री को हासिल कर चुके हैं। इस पुस्तक को मैंने 240 रुपए में परचेस किया था और इस पुस्तक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके त्रुटियों को सुधार कर हर साल इसका रिपब्लिकेशन किया जाता रहता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कंटेंट पर लेकर चलता हूँ और देखता हूँ क्या क्या है इसमें, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ तक यह एक अच्छा बुक है और क्या क्या इसमें कमियाँ रह चुकी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कंटेंट से। यहाँ इस बुक में हमें फिजिकल ज्योग्राफी का डेफिनेशन, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, महाद्वीपीय सागर तथा महाद्वीप के नितल की उत्पत्ति के बारे में, संतुलन की संरचना, भू संचलन, चट्टान, मृदा और ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रियाओं के बारे में, भूकंप, भूकंप विज्ञान, पर्वत तथा पर्वत निर्माण, पर्वत पठार, मैदान, झील, अपक्षय, अपरदन चक्र, अपवाह तंत्र और टोपोग्राफी, बहते जल के टोपोग्राफी या स्थलाकृति, बहते जल के स्थलाकृति, भूमिगत जल स्थलाकृति या कास्ट टोपोग्राफी, सागरीय जल टोपोग्राफी, उसके बाद पवन टोपोग्राफी या विंड टोपोग्राफी, हिमनद की स्थलाकृति, परिहिमानी स्थलाकृति और यहाँ पे उसके बाद जलमंडल के बारे में भी सारे कुछ दिया हुआ है। पहले ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी को ही माना जाता था, तो यहाँ फिजिकल ज्योग्राफी के अंडर में सब कुछ ले लिया जाता था। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महासागर और समुद्र के बारे में सारा ये जो ज्योग्राफी होता है वो सारा यहाँ दिया गया। फिर इसके बाद यहाँ वायुमंडल या एटमॉस्फेयर के बारे में भी दिया गया, जैसे वायुमंडल, सूर्य ताप, तापमान, वायु दाब, पवन संचार, उसके बाद आर्द्रता, वर्षा, वायु राशि, वताग्र और जलवायु का वर्गीकरण, कुपेन का, थानवेट का, ये सभी इस बुक में आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जीवमंडल के बारे में भी यहाँ पे दिया गया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मतलब हर पोर्शन को कवर किया गया है फिजिकल ज्योग्राफी का। तो चलिए अब इस बुक पर आते हैं और जानते हैं क्यों हमें यह बुक लेना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि यह काफ़ी सरल और आसान भाषा तथा शब्दों में लिखा गया है, जिससे आपको इसे समझने में कहीं भी थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी। इसकी भाषा इतनी सरल है कि बिना ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट भी इसे अगर पढ़ें तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इस बुक में हमें हर पेज पे दो तीन डायग्राम भी मिल जाते हैं, जिससे कि हमें यह समझने में बहुत आसानी मिल जाती है। वहीं हमें हर चैप्टर एक सिस्टमैटिक वे में मिलता है। जो चैप्टर हमें पहले पढ़ना चाहिए वो हमें पहले मिलता है और जिसे हमें बाद में पढ़ना चाहिए वो चैप्टर इसमें बाद में दिए गए हैं। इन सब होने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हर एक छोटे से छोटे पहलू और टॉपिक का जिक्र किया गया है, यानी एक डिटेल्ड बुक है ये और बहुत हद तक ये सफिशियंट है एक फिजिकल ज्योग्राफी का बुक। तो यदि आप फिजिकल ज्योग्राफी का एक अच्छी बुक चाहते हैं तो इसे ले सकते हैं और शुरू से अंत तक इसे पढ़ लीजिए। और जब आप इसे शुरू से अंत तक पढ़ लेते हैं और आपका एक बेस बन जाता है, तभी आप दूसरी कोई बुक लीजिए और फिर उसे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये बुक काफ़ी सफिशियंट है आपके लिए, एक फिजिकल ज्योग्राफी का एक सफिशियंट बुक है ये।